2 जून 1995 को लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड क्या था, जिसमें बहन कुमारी मायावती को मारने की साजिश रची गई थी मुलायम सिंह और सपा के गुंडों द्वारा। क्या था ये गेस्ट हाउस कांड, क्यों हुआ था ये गेस्ट हाउस कांड, बताऊंगा मैं वीरेंद्र सिंह, एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहेब, साहेब काशीराम, मायावती, बहुजन स्वाभिमान और बसपा। 4 दिसंबर 1993 को बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन सरकार बनी थी और गठबंधन विचारधारा का गठबंधन नहीं हुआ था, गठबंधन हुआ था मुद्दों के आधार पर। और मुद्दे सिर्फ दो थे कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में ठीक की जाएगी, जो कि पहले बीजेपी के कारण राम मंदिर मुद्दे के कारण अराजक हो गई थी, और दूसरा था कि प्रदेश के शोषित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग, इनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है, सामाजिक अन्याय अत्याचार और जो सरकारी अन्याय अत्याचार होता है, उस पर रोक लगाई जाएगी। सरकार बन गई, सरकार चलने लगी, लेकिन अन्याय अत्याचार बदस्तूर जारी रहे। उस समय शुरू में तो विरोधी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस पर बहन कुमारी मायावती ने आरोप लगाए करवा रहे हैं, और वो सच भी था कि वो करवा भी रहे थे ताकि ये गठबंधन बदनाम हो और ये गठबंधन तोड़ दिया जाए। और बहन कुमारी मायावती जी हमेशा इस बात पे मुलायम सिंह का पक्ष लेती रहीं, और इसका जितने भी दंगे और अन्याय अत्याचार हुए उस दौरान हमेशा विपक्षियों को दोषी ठहराया। तो मुलायम सिंह को ये लगा कि ये तो अच्छा मौका है, दोषारोपण कांग्रेस और भाजपा पर होता रहेगा, तो फिर मुलायम सिंह के गुंडों ने वो अन्याय अत्याचार और बदस्तूर जारी रखे और तेजी कर दिए। बार बार इनको समझाया जाता रहा, बहन कुमारी मायावती, साहब काशीराम ने बार बार इनको चेतावनी भी दी कि जो आप दंगे हो रहे हैं, जो अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं दुनिया भर के, इनको आप रोकें, लेकिन वो रोकने में सफल नहीं हुए। सफल क्या, वो रोकना ही नहीं चाहते थे, और उनके लोगों ने खुद जब अन्याय अत्याचार शुरू कर दिए और बात हद से बढ़ गई और वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, करने के लिए, रोकने के लिए तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि ऐसा पता लगा कि वो बहुजन समाज पार्टी के और बाकी पार्टियों के MLA तोड़ करके अपनी समाजवादी पार्टी में विलय करके अपनी मजबूत सरकार बनाना चाहते हैं। ये सारी बातों की चेतावनी बार बार देने के बाद 1.5 साल तक करीब सरकार चली, और 1.5 साल में सैकड़ों बार चेतावनी दी गई। बहन कुमारी मायावती, साहब काशीराम ने बहन जी को लगाया था केवल उत्तर प्रदेश की ये सरकार की निगरानी रखने के लिए, सरकार से समन्वय करने के लिए, लेकिन बार बार समझाने के बाद, बार बार रिक्वेस्ट करवाने के बाद, बार बार चेतावनी देने के बाद भी ये अन्याय अत्याचार मुलायम सिंह सरकार कम नहीं कर पाई। इससे अंत में बीजेपी के लोग भी त्रस्त आ गए, कांग्रेस के लोग भी त्रस्त आ गए, बहुजन समाज के सभी लोग, आम जनता जो है परेशान होने लगी। जब आम जनता परेशान होने लगी तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग भी साहब काशीराम के पास गए, उन्होंने कहा कि इस सरकार को हटाओ, हम आपको समर्थन देंगे। साहब काशीराम उस समय बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे दिल्ली में। साहब काशीराम ने वहीं से समर्थन वापसी का लेटर बहन कुमारी मायावती को दिया, और 1 जून 1995 को बहन कुमारी मायावती ने मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापसी का लेटर राज्यपाल को दिया और अपने 282 विधायकों के समर्थन का पत्र दिया कि हम जो है सरकार बनाने में सक्षम हैं, 282 विधायक सभी पार्टियों के हमारे साथ हैं। जैसे ही समर्थन वापसी की तो मुलायम सिंह को चाहिए ये था कि जब सरकार अल्पमत में आ गई तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने जबरदस्ती कहा कि हम तो सदन में अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। और इसी बीच एक जो SSP पुलिस का था, जिसे मायावती ने कई बार ट्रांसफर करवाया था, वो मायावती से बहुत खुंदक खाता था, उसको तुरंत ला करके उसको लखनऊ ट्रांसफर किया गया और उसकी वहाँ ड्यूटी लगाई गई। और ये लखनऊ में मीराबाई गेस्ट हाउस, जो VIP गेस्ट हाउस है, वहाँ बहन कुमारी मायावती सूट नंबर 1 में रुकी हुई थी, कमरा नंबर 1 में, और सारे विधायक वहीं रुके हुए थे।
दिन में विधायकों की मीटिंग चलती रही 2 जून को कि किस तरीके से क्या किया जाए। मीटिंग जब खत्म हो गई तो विधायक एक हॉल में रुके हुए थे और बहन कुमारी मायावती सूट में। करीब 3-4 बजे करीब 200-300 गुंडे, जिसमें समाजवादी पार्टी के MLA भी थे, विधायक भी थे, उनके सरकारी अधिकारी जो SSP जो था उसकी देखरेख में, इतने सारे लोग वहां आकर के तोड़फोड़ करने लगे, गाली गलौज देने लगे, बहन कुमारी मायावती को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, चमारिन बाहर आ, हम ये करेंगे वो करेंगे। इस तरीके से उन्होंने जो हॉल में सारे विधायक थे वो बंद हो गए, उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, उस दरवाजे को तोड़ दिया गया। दरवाजे को तोड़ करके विधायकों को वहाँ से खींच करके पिटाई की जाने लगी और खींच करके गाड़ियों में डाल करके उनका अपहरण किया गया। कई सारे विधायकों को गाड़ियों में डाल करके जबरन और वहाँ मुलायम सिंह की कोठी पर ले जाया गया। वहाँ उनसे समर्थन का पत्र लिखवा करके जबरदस्ती लिया कि हम समर्थन करेंगे। कुछ से खाली कागजों पे इतने डरे हुए थे विधायक कि कईयों ने तो खाली कागज पे अपने साइन करके दे दिए थे। इस तरीके से ये तांडव चलता रहा और इस पीरियड बिजली के तार काट दिए गए और टेलीफोन के तार काट दिए गए, पानी का कनेक्शन काट दिया गया, बंद कर दिया गया और ये सब कुछ होता रहा। पुलिस के निर्देशन में जो पुलिस का SSP था वो आराम से खड़ा हुआ वहाँ सिगरेट पी रहा था। बाकी ये लोग कह रहे थे कोई बचाओ, लेकिन वो कोई नहीं, वो आराम से मुस्करा रहा था खड़ा। और जो गेस्ट हाउस के जो लोग थे, मैनेजमेंट के लोग थे, प्रशासन के लोग थे, सब आराम से खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, केवल 1-2 इंस्पेक्टर जो थे जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने कोशिश की रोकने की, भीड़ को रोकने की, लेकिन उन पर भीड़ काबू नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा थे। MLA उनके साथ में थे, बार बार जो है वो बहन कुमारी मायावती का कमरा तोड़ने के लिए, तो जो विधायक कुछ बचे हुए थे वो बहन जी के कमरे में इकट्ठे हो गए थे सारे। बार बार जो है तोड़ने के लिए कोशिश की जाती रही, गाली गलौज होती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन गलती से चूंकि वो BVIP गेस्ट हाउस था और बहन जी जिसमें रुकी हुई थी वो BVIP सूट था, तो उसमें एक सीक्रेट टेलीफोन की लाइन थी, वो किसी को मालूम नहीं था, इसलिए बच गई थी। तो बहन कुमारी मायावती ने वहाँ से उस टेलीफोन से साहब कांसीराम को फ़ोन किया अस्पताल में। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, BJP की सरकार थी, उनको फ़ोन किया, राज्यपाल को फ़ोन किया गया। तो इस तरीके से जब बताया गया तो फिर केंद्र सरकार के निर्देशन पर वहाँ केंद्रीय रिजर्व बल को भेजा गया। लेकिन इस बीच में ये रात हो चुकी थी, ये काफ़ी टाइम लगा, और जब उनको लगा कि ये मायावती के कमरे का दरवाज़ा भी नहीं टूट रहा, ये बिजली पानी सब कुछ हो गया है, नहीं कुछ हो रहा, तो फिर वहाँ गैस के सिलेंडर इकट्ठे किए गए और ये योजना बनाई गई कि गैस के सिलेंडरों में आग लगा करके या विस्फोट कर दिया जाए और आग लगा दी जाए सारे गेस्ट हाउस में, ताकि मायावती और जो MLA हैं यहीं के यहीं सब के सब ढेर हो जाएं। ये भी सिलेंडर रखे हुए थे, वहाँ आ गए थे, सब कुछ हुआ, लेकिन तब तक जो DM थे लखनऊ के, DM को पता लगा, तो DM वहाँ गए, तो DM ने कोशिश की, DM ने थोड़ा स्थिति को संभाला, जब तक बाहर से बहुत सारा पुलिस बल जो बाहर के केंद्रीय बल थे वो वहाँ आ गए। उनके केंद्रीय बल के आने से उन्होंने जब कंट्रोल किया तब बड़ी मुश्किल से जो मुलायम सिंह के गुंडे थे जो उनके संरक्षण में वहाँ पहुँचे थे, पुलिस के संरक्षण में पहुँचे थे, विधायकों के संरक्षण में पहुँचे थे, वो वहाँ से उनको अलग हुए। बहुत भी फिर भी नारेबाजी करते रहे, सब कुछ करते रहे। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी को वो नहीं निकाल पाए, नहीं पकड़ पाए, और जब पुलिस बल आ गया तो सारी स्थिति पर कंट्रोल किया गया। राज्यपाल भी हरकत में आए, राज्यपाल ने भी आदेश दिया, केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ने आदेश किया, गृह मंत्री ने आदेश किया। तो जब इस तरीके से चारों तरफ से वो घिर गए तब वहाँ से निकल करके गए। तो आप ये सोचिए कि उस दिन बहन कुमारी मायावती की जगह कोई और होता तो शायद हार्ट अटैक हो गया होता, मर गया होता, या उसको बाहर निकाल लिया होता। और बाकी सारे विधायक इतने डरे हुए, घबराए हुए थे कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अकेली
अकेली बहन कुमारी मायावती थी जो सबको हिम्मत बनाए हुए थी, सबको ढाढ़स बना रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा। सारे भयभीत हो रहे थे, इतने परेशान, इतना कुछ ये जो चल रहा था नाटक वहां। तो बहन कुमारी मायावती ने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ उस समय काम लिया, और अगर धैर्य और हिम्मत बहन जी का टूट गया होता तो सब कुछ उस दिन खत्म हो गया होता। बहन और कुमारी मायावती ने जो धैर्य और साहस का परिचय दिया उस वक्त, वो काबिले तारीफ था। जो हम लोग कहते हैं कि बहन जी शेरनी है, बहन जी आयरन लेडी है, वो सही माने में लखनऊ 2 जून के गेस्ट हाउस कांड में बहन जी ने ये साबित करके दिखा दिया था, ये प्रूव कर दिया था कि हाँ वो आयरन लेडी है, वो शेरनी है, वो शेर दिल है, वो किसी भी स्थिति का मुकाबला कर सकती है। अदरवाइज वहां के विधायक सारे बिक गए होते, खरीद लिए गए होते, और बहन कुमारी मायावती ना होती तो वहां पता नहीं क्या होता। तो बहन कुमारी मायावती ने इतनी हिम्मत के साथ सब कुछ किया, जब स्थिति नियंत्रण में आ गई तो फिर 3 जून 1995 को बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हुई, उनका समर्थन मिला, बीजेपी ने समर्थन किया, बाकी पार्टियों ने समर्थन किया, और इस तरीके से बहन कुमारी मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी 3 जून 1995 को। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन था 3 जून 1995। हालांकि सरकार विरोधी पार्टियों से समर्थन से दी थी, जिनको साहब काशीराम और बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी सांपनाथ और नागनाथ कहती रहती थी, उन्हीं सांपनाथ और नागनाथ ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया था। क्यों दिया था? वो भी खुशी खुशी नहीं दिया था, वो भी मजबूरी में दिया था समर्थन, उन्होंने मजबूरी में दिया था। और साहब कांसीराम ने, बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था कि भारत की मजबूरी है, कांसीराम जरूरी है, भारत की मजबूरी है, बीएसपी जरूरी है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की ऐसी मजबूरी पैदा हुई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐसी मजबूरी पैदा हुई, कांग्रेस की ऐसी मजबूरी पैदा हुई कि बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। खुशी से नहीं बना बनाया, लेकिन बनाना पड़ा, ऐसी मजबूरी पैदा हुई उत्तर प्रदेश में, और बहन कुमारी मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और 4 महीने तक मुख्यमंत्री रहीं। जब बीजेपी ने दबाव बनाना चाहा तो बहन जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ठोकर मार दी, लात मार दी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, साहब कांसीराम और बहन कुमारी मायावती ने कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया। गठबंधन की सरकार मुलायम सिंह के साथ रही, तभी भी विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं किया। जब बीजेपी की सरकार रही तो विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। जब बीजेपी वाले हावी होने लगे तो बहन कुमारी मायावती ने खुद ही उस मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी। अगर बहन जी चाहती तो पूरे 5 साल तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह सकती थीं, लेकिन चूंकि बीजेपी हावी हो रही थी, जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा थी वो विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, विचारधारा से समझौता नहीं करना चाहती थी, इसलिए उस कुर्सी को ठोकर मार दी। तो ऐसी हमारी बहन कुमारी मायावती, जो आयरन लेडी है, जो शेरनी है, शेर दिल है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उन्होंने 2 जून 1995 को ये साबित कर दिया था हजारों लोगों के सामने। और हम लोग उस समय दिल्ली में काम कर रहे थे, जब दिल्ली में हमें शाम को हम लोगों को मालूम पड़ा तो हम लोगों ने पूरी दिल्ली में घूम घूम करके हजारों कार्यकर्ता दिल्ली से, बसों से, रेल से, रात रात में सुबह तक वहां लखनऊ पहुंच गए थे। इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश से हजारों की, लाखों की तादाद में जब बहन कुमारी मायावती के इस बात की बात सुनी तो बहन कुमारी मायावती के सम्मान में सारे के सारे जो है कार्यकर्ता लखनऊ में पहुंच गए थे, और सुबह होते होते वहां लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो ये
बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, साहब कांसीराम और बहन कुमारी में जिनकी आस्था, मायावती में जिनकी आस्था है, वो उसको आस्था के साथ में पहुंचे और हम लोग सारी दिल्ली, सारी रात दिल्ली में कार्यकर्ताओं के घर घर जा करके, क्योंकि उस समय टेलीफोन की सुविधा थी नहीं इतनी, किसी के पास लैंडलाइन टेलीफोन थे नहीं, किसी के पास और था नहीं, तो घर घर जा करके साइकिल से, स्कूटर से, कैसे भी जैसे जाना हुआ, सारी रात जा करके दिल्ली के लोगों को हम लोग वहाँ भेजते रहे। और बहन कुमारी मायावती जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में आई, तो फिर दिल्ली के कार्यकर्ताओं को, जो पदाधिकारी थे, उनको बुलाया था, सुबह 8 बजे बुला लिया था बहन जी ने अपनी कोठी पर, और हम लोग इंतजार करते 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 करे, क्योंकि बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे वहाँ, तो हम लोगों का नंबर रात को 8-9 बजे करीब आया था। तब बहन जी ने हम लोगों को सारी घटना बताई थी विस्तार से, और ये बहन जी ही थी जो कि स्थिति को संभाल पाई। तो आज लोग किंतु परंतु करते हैं कि बहन जी ने ये कर दिया, बहन जी ने वो कर दिया। अगर बहन जी विचारधारा से समझौता कर लिया होता तो आज प्रधानमंत्री बन गई होती, चूंकि विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया है और ना करेंगी। और कई बार बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि मेरे खून की एक एक बूंद बहुजन समाज के लिए है, बहुजन समाज के उत्थान के लिए है, सामाजिक परिवर्तन के लिए है। तो ऐसी बहन कुमारी मायावती हमारी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं, हमें उनके नेतृत्व में आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। वो जो कुछ भी करेंगी समाज के लिए अच्छा करेंगी, बहुजन विचारधारा से कभी भी समझौता न किया है और न करेंगे। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूँ SM न्यूज का कि ये सीरीज शुरू की है। मैं धन्यवाद करता हूँ SM न्यूज के सभी दर्शकों को, और इस निवेदन के साथ कि ये जो गेस्ट हाउस कांड था, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत काला दिन था, और 3 जून 1995 का जो दिन था बहुजन समाज पार्टी के लिए एक उपलब्धि का दिन था, बहन कुमारी मायावती के लिए एक उपलब्धि का दिन था। जन जन तक ये संदेश पहुँचे, मेरा सभी को धन्यवाद, सभी को मेरा जय भीम, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।